So student, just now we have seen two properties. If we are having two or more than two rational numbers having same denominator, and another was if we are having two or more than two rational number with different denominators, right? So first we will solve with the same denominator. Property was, if we have two or more than two rational numbers with same denominator, and this property is very easy because इसका जो LCM है वो काफी simple है, then ठीक है. So first rational number is p upon q, and second rational number is for example r upon q. Then what I'll do, p upon q plus r upon q, fine. इसका LCM जो है वो सेम डिनोमिनेटर जो था वही आएगा, एंड आंसर विल बी p प्लस r अपॉन q. मीन्स वी नीड टू प्लस ओनली न्यूमरेटर, बट इन विच केस इफ द डिनोमिनेटर आर सेम ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जितने भी दिए अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है देन ओनली वी हैव टू प्लस न्यूमरेटर, राइट. सेम प्रॉपर्टी ये एड था, एंड फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट है, p अपॉन q एंड r अपॉन q को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन व्हाट विल डू, एलसीएम सेम रहेगा, इनमें एलसीएम बहुत इजी होता है, सो आंसर विल बी p माइनस r अपॉन q. व्हाट इट शोज मींस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ओनली न्यूमरेटर, फाइन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन. फर्स्ट इज एड 3 by 5 and 13 by 5, right? 3 by 5 add कहा है इसलिए हम plus करेंगे 13 by 5. These are very simple question, but हमें अब integers पे जाना है इसलिए हमें लेना बहुत जरूरी है. Numerator plus हो जाएंगे, so answer will be 16 upon 5. Now I am taking another example of addition. Add 7 by 9 and minus 12 by 9. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि दोनों प्लस के रैशनल नंबर्स थे. अब अगेन हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखना पड़ेगी. रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इंपॉर्टेंट वॉज p एंड q आर इंटीजर्स. तो हमें हमेशा प्लस मिलेंगे जरूरी नहीं है, अब हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया, राइट. अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा रिकैप लूंगी कि इंटीजर्स के कुछ रूल्स होते हैं. इफ वी हैव प्लस एंड प्लस, दो नंबर्स प्लस के हैं, सो आंसर विल बी इन प्लस. If we are having a number plus and minus, then answer will be subtract करेंगे हम, ठीक है. Answer नहीं, हम subtract करेंगे. Operation क्या करेंगे, subtract करेंगे. Minus plus is always minus and minus minus is always plus. ये तो हमारा rule था, इस पे based हम छोटे छोटे दो तीन question लेंगे. Like we are having plus 2 plus 3, so answer will be 5. Means plus plus, तो operation क्या होगा, addition plus होगा, इसलिए हमने इन दोनों numbers को क्या किया, plus कर दिया. Now same 2 and minus 3 है, then हम इस rule पे जाएंगे, plus minus is minus, means इस question में हम subtract करेंगे. 2 और 3 का subtraction क्या आएगा, 1 आएगा, बट साइन हम कौन सा लगाएंगे, यस ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे. ग्रेटर नंबर इज 3, सो साइन विल बी माइनस. सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, राइट. सेकेंड थर्ड लॉ, सॉरी 3 माइनस 2, पहला नंबर हमने, सॉरी आई हैव टेकन अनदर केस, माइनस प्लस, ओके 3 माइनस 2. सो व्हाट विल डू,
प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, मींस हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. नाउ विल डिसाइड द साइन. साइन कैसे डिसाइड होता है? ग्रेटर नंबर का हम साइन देखेंगे. ग्रेटर नंबर यहां पर क्या है? 3, और उसका कोई साइन नहीं है, मींस उसका साइन क्या है? प्लस. सो आंसर विल बी प्लस 1, और प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए हम 1 लिखेंगे, राइट. लास्ट इज माइनस 3 माइनस 2. दोनों नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, देन व्हाट विल हैपन? माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, मींस इस क्वेश्चन में ऑपरेशन हमें क्या करना है? प्लस करना है. 3 और 2 को हमें प्लस करना है. सो विल प्लस 3 एंड 2, तो कितना आ जाएगा? 5. बट साइन कैसे डिसाइड होगा? माइनस माइनस करते हम प्लस हैं, बट साइन हम हमेशा माइनस लिखते हैं, राइट. सो आंसर विल बी माइनस 5. ये आप सब 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ये छोटा सा रिकैप था कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम क्या करेंगे. सो अब हम हमारा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे. हमें दिया हुआ है 7/9 एंड -12/9. We need to add 7/9 and -12/9. ठीक है. So what we'll do? We'll take the LCM as per our procedure. LCM will be 9. क्योंकि same denominator होते हैं तो LCM निकालना बहुत आसान है. Denominator ही LCM हो जाता है. Now 7 plus -12. Now next step is bracket open. प्लस माइनस इज माइनस. लॉ भी मैंने आपको लॉ बताया, प्लस माइनस इज माइनस. नाउ 7 - 12, 7 के आगे कोई साइन नहीं है, मींस इट इज पॉजिटिव 7. प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, मींस इस इक्वेशन को क्या ऑपरेशन से हम सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 - 12 मींस हम 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 आ जाएगा. Now we'll decide the sign. Sign हम कैसे decide करते हैं? Those number which are greater. तो यहाँ पर जो भी number greater है वो क्या है? 12. 12 के आगे का sign क्या है? Minus. So answer will be -5. So दोस्तों ये question लेने का purpose ये था कि हमेशा plus rational number नहीं मिलेंगे हमें. हमें minus वाले भी मिलेंगे. Because rational number की definition होती है P and Q जो है वो integers होते हैं, and integers positive भी हो सकते हैं and negative भी हो सकते हैं. तो negative integers जब आएंगे तो हमें पिछले classes में जो हमने operations पढ़े हैं वो clear होना बहुत जरूरी है, ठीक है. एक और question हम लेंगे. Add -7/9 and -12/9, ठीक है. Same question है, मैंने sign दोनों negative ले लिए. अब क्या करेंगे हम? -7/9 प्लस करना है हमें, ऐड कहा है, सब माइनस की टर्म्स को हम ब्रैकेट में रखेंगे. एलसीएम क्या आएगा? 9, राइट. -7 एज इट इज आ जाएगा. प्लस माइनस इज माइनस, राइट. अब हमारे पास क्या आया? -7 - 12. अगेन हम ऑपरेशंस पे ध्यान देंगे. माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, मींस इन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है. 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, राइट. नाउ साइन डिसाइड करेंगे. माइनस माइनस करते प्लस है, बट साइन कौन सा पुट करते हैं? माइनस. सो आंसर विल बी -19/9, ठीक है. तो यहां पर हमें इंटीजर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी हम रैशनल नंबर के ऑपरेशन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस वर द वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ एक डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे. 4/-11 + 7/11. स्टूडेंट्स अब आप यहां ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए डिनोमिनेटर सेम था बट उनके साइन भी सेम थे. बट इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज सेम बट साइंस आर डिफरेंट, और हो सकते हैं डिफरेंट बिकॉज द डेफिनेशन सेज रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P / Q
एंड पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर नेगेटिव साइन मिले न्यूमरेटर में, हमें डिनोमिनेटर में भी तो नेगेटिव साइन मिल सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है बिकॉज ऑफ साइन, तो वॉट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू मेक इक्विवेलेंट साइन, हमें दोनों का साइन एक जैसा करना होगा। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रैशनल नंबर को ही लेंगे, 4 upon -11, पहले हमने ये लिया, ठीक है। 4 upon -11 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय m, what was the first property? If we are having a rational number and if we are multiplying with the same number in numerator and denominator, rational number will be the same, there will be no change, right? यहाँ पर m जो है अब हम क्या consider कर रहे हैं, -1, हमने numerator में भी -1 का multiply कर दिया and denominator में भी -1 का multiply कर दिया। जब न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया तो 4 multiplied by 1 इज -4 एंड -11 एंड -1 विल बी 11 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। सो नाउ अवर डिनोमिनेटर इज कन्वर्टेड इनटू +11, अर्लियर इट वाज -11 एंड नाउ इट इज +11। अब हमारा जो क्वेश्चन था ये, इसकी जगह हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा -4 by 11 बिकॉज दीज आर इक्वल, अभी जस्ट हमने इसको चेंज किया, राइट, +7 by 11। नाउ इट इज इजी टू सॉल्व बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, सो एलसीएम विल बी सेम एंड वी नीड टू प्लस न्यूमरेटर बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ द डिनोमिनेटर विल बी द सेम देन वी नीड टू प्लस ओनली न्यूमरेटर, हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, -4 plus 7, वही हम रूल्स देखेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस 7 and 4, 7 and 4 सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, 3। अब साइन डिसाइड करेंगे, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का देखते हैं, सो ग्रेटर नंबर इज 7 विच इज पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, +3। पर प्लस को हम लिखते नहीं है, वी नेवर राइट द +3, सो वी विल राइट 3 ओनली, सो आंसर इज 3 upon 11, राइट। सो कहने का पर्पस ये है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो बहुत इजी होता है सॉल्व करने में, बट डिनोमिनेटर में भी साइन वो लोग पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द सेम डिनोमिनेटर, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व, राइट। तो हमने सेम डिनोमिनेटर कैसे बनाया, एज पर अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी रैशनल नंबर में अगर हम कोई इंटीजर m का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, द नंबर विल बी द सेम, रैशनल नंबर विल बी द सेम, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रैशनल नंबर, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 by 11। इसी का एक और एग्जाम्पल लेंगे फॉर प्रैक्टिस, एड 2 by -7 एंड 3 by 7, इन दो नंबर्स को हमें एड करना है। हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे 2 by -7, राइट, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, -1 and -1 से मल्टीप्लाई कर, अभी क्या होगा हमारे पास, 2 multiplied by 1 इज -2 एंड -7 -1 विल बिकम +7। अभी हमने केवल फर्स्ट पार्ट ही लिया, अब नाउ वी विल एड दीज टू नंबर। अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया है वो क्या हो चुका है, हमें ऐड करना था 2 by -7 एंड 3 by 7। नाउ क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू -2 by 7 plus 3 by 7, राइट। अब एलसीएम लेना बहुत इजी है, सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम विल बी 7, -2 plus 3, सिंपल सॉल्यूशन, माइनस प्लस इज माइनस मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। नाउ वी विल पुट द साइन, साइन कैसे पुट करेंगे, ग्रेटर नंबर का देखेंगे, ग्रेटर नंबर इज 3, सो प्लस, बट ऐसा मैंने आपको बताया प्लस लिखते नहीं है, सो आंसर इज 1 by 7,
राइट। सो दीज आर सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर एंड एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो। यहाँ पर हम इनडायरेक्टली इंटीजर्स ही सॉल्व कर रहे हैं बट वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। सो ये आप प्रॉपर्टीज को रिकॉल करिए, रिविजन करिए, फिर हम एक्सरसाइज लेंगे। सो जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व इफ वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर देन हाउ वी विल एड और सब्ट्रैक्ट, राइट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर लाइक 5/12 एंड 3/8 को वी नीड टू एड, राइट। अब डिनोमिनेटर देखें, 1 is 12 एंड अनदर इज 8, मीन्स दे आर डिफरेंट, तो अब इनका सिंपल एलसीएम तो नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें 12 और 8 का एलसीएम निकालना होगा एंड 12 और 8 का एलसीएम जो है दैट इज 24। एलसीएम ये हम मान के चल रही हूँ कि आपको ऑलरेडी निकालना आता है। सो द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज 24। देन व्हाट विल डू, हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर लेंगे 5/12, 24 बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम m का मल्टीप्लाई एंड m का डिवाइड करें, यानी सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो रैशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इट विल बिकम 10/24। सिमिलरली सेकेंड रैशनल नंबर लेंगे 3/8, 24 बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 8 3 24, सो इट विल बिकम 9/24। देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं, 5/12 प्लस 3/8, एलसीएम इज 24 एंड फाइनली क्या आया हमारे पास, 10 एंड 9, मीन्स ये हमारे पास आया इन प्लेस ऑफ दिस, राइट। इसको हम और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये आया हमारे पास 19/24। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जब आ गया तो हम एक और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जब तक रिड्यूस करेंगे जब तक इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। तो हम टेबल्स रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रही है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 19 एंड 24 दोनों ही नंबर आते हों, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर अब क्या है, 1 है, मीन्स दे विल नॉट रिड्यूस फर्दर, वी शुड स्टॉप हियर। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। सेकेंड 7/9, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन है एड 7/9 एंड 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज नॉर्मल नेचुरल नंबर, सो हम कैसे ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को तो हम फ्रैक्शन से ऐड करते हैं। सो व्हाट विल डू, विल पुट 1 इन द डिनोमिनेटर, 4 को आई कैन राइट 4/1, यस। अब दोनों फ्रैक्शन है सो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ एलसीएम लेंगे 9 एंड 1 का, एलसीएम जो है वो एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 1 इज 9, राइट। नाउ इसको सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था वो भी कर सकते हैं और आप पार्ट्स में भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये होता है, 9 की टेबल हम पढ़ेंगे जब तक 9 ना आ जाए, 1 मिला सो उससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 9 9 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 9 से हो जाए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 36/9, 7 एंड 36 ऐड होके हो जाएगा 43/9। अब हम यहाँ अगेन चेक करेंगे जब तक इसका फैक्टर 1 ना हो जाए। सो ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 43 और 9 आता हो, मीन्स इसका फैक्टर 1 ही है, कॉमन फैक्टर बस 1 है, ओनली 1, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब हमने दो पॉजिटिव वाले क्वेश्चन लिए, नाउ आई विल टेक नेगेटिव बिकॉज रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव हो, इट्स नॉट नेसेसरी, फाइन। सो पॉजिटिव सॉल्व करना तो काफी आसान है बट अब हम नेगेटिव लेंगे। सो अनदर क्वेश्चन इज एड 3/8
एंड माइनस 5/12, ठीक है। मीन्स यहां पर अब क्या हुआ, 5 जो है वो माइनस का है। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, एलसीएम निकालेंगे हम 8 एंड 12 का, विच इज इक्वल टू 24, ठीक है। नाउ विल सॉल्व 3/8, हमें ऐड करना है। जब भी नेगेटिव नंबर हो तो आप उन्हें ब्रैकेट के अंदर ही लिखें, वो कन्वीनियंट होता है बहुत। नाउ 8 एंड 12 का एलसीएम जो आया वो कितना आया, 24। व्हाट इज द प्रोसीजर, 8 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, 8 3 24, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3। स्टूडेंट यहां पर जरूरी नहीं है मैं डायरेक्ट कर रही हूं, आप इंडिविजुअली एक एक पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहां पर आएगा 12 2 24, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, बट ये हो जाएगा 5 2 10, बट वी हैव टू साइन प्लस एंड माइनस, सो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द टू साइंस, प्लस माइनस इज माइनस, सो व्हाट विल गेट, माइनस एंड 5 2 10। यहां पर ध्यान से सॉल्व करना होगा आपको, व्हेन वी आर हैविंग टू साइन तो पहले सबसे पहली बात तो एक साइन ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। नाउ विल सॉल्व द ब्रैकेट, विल ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस इज माइनस, मीन्स क्वेश्चन था हमारा एड दिस फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स, और अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया है माइनस में, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 9 and 10, राइट। सो साइन का कितना इंपॉर्टेंस होता है ये आपको पता चलेगा। नाउ 9 का साइन कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, प्लस है, एंड दिस इज माइनस, सो एज आई टोल्ड यू प्लस माइनस इज माइनस, मीन्स यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा बेसिक ऑपरेशन वो सब्ट्रैक्शन होगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया। अब विल डिसाइड द साइन कि विच साइन वी विल पुट, सो ग्रेटर नंबर इज 10 और 10 के आगे क्या है, माइनस, सो ये हो जाएगा -1, 9 − 10 इज −1/24, सो दिस इज आवर आंसर। हमें क्वेश्चन दिया था एड दीज टू रैशनल नंबर, बट इनडायरेक्टली हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज यहां पर हमारे पास टू साइन आ गए, एंड व्हेन वी आर हैविंग टू साइन तो फर्स्ट विल ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस इज माइनस, इसलिए हमारा क्वेश्चन एडिशन था, बट यहां पर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, माइनस, एंड देन सिंपल हमने रूल्स लगा के इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। क्वेश्चन इज 8/-15, अब डिनोमिनेटर नेगेटिव दे दिया, एंड 4/-3, हमें इन दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, बट देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो, राइट। सो व्हाट विल डू, हम इन्हें प्लस बनाएंगे, पहला फ्रैक्शन लेंगे 8/-15, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई एंड -1 का डिवाइड एज पर अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि इफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय m इन न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाय m इन डिनोमिनेटर, देन द रैशनल नंबर विल बी द सेम, देयर विल नो इफेक्ट। तो हमने ये कर दिया, 8 × -1 इज -8 एंड −15 × -1, −−+ means आंसर क्या आएगा, 15, सो नाउ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, राइट। सेकेंड सेम प्रोसीजर 4/-3, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम −1 से मल्टीप्लाई एंड −1 से डिवाइड, और यू कैन सी −1 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, −1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, 4 × −1 इज −4 एंड −3 × −1 इज 3। नाउ बोथ द डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे −8/15 + −4/3,
दो साइन कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो आपको ब्रैकेट पुट करना होगा, जैसा मैंने आपको बताया, दो साइन कभी भी एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं आएंगे, राइट। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा, 15। नाउ विल सॉल्व, 15 वन ज़ा 15, तो यहां पर हमें मिलेगा -8 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 3 फाइव ज़ा 15, तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू 5। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, वी आर हैविंग -8 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल -8 -8। ध्यान दीजिए, यहां पर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 5 फोर ज़ा तो 20 हो जाएगा, बट वी आर हैविंग टू साइंस हेयर, प्लस माइनस इज माइनस, सो -20 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, रैशनल नंबर सॉल्व करने से पहले आपको इंटीजर्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी। अब हमारे पास क्या आएगा, -8 -20, सो व्हाट विल डू, माइनस माइनस करते प्लस है, सो 28, बट लिखते माइनस है, सो -28/15। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये आगे और स्लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं सॉल्व हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, सो विल स्टॉप हेयर एंड दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट, मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए जिसमें न्यूमरेटर कभी नेगेटिव है कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव है। न्यूमरेटर नेगेटिव है देन इट्स ओके, बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है सो वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई एंड -1 का डिवाइड, और यू कैन सी -1 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड -1 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, उससे हमारा डिनोमिनेटर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देन विल टेक एलसीएम एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट।